जी आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सरदार सतपाल सिंह है और मैं दौलतपुर रोड राजी नंबर 27 में, मेरा मकान 187/3 है, कल्याण कुंज मेरे मकान का नाम है। और मैं ये रजिस्ट्री 2016 में प्रेम शंकर पांडे के पिता मुरारी पांडे से कराया था जी, जिसमें उन्होंने मेरे को अराजी नंबर गलत देकर 27 नंबर जिसका वास्तविक अराजी नंबर है और 190 नंबर में ग्राम अनौला में कर दिया था। अच्छा। जिसके कारण इस पर मेरे को बाद में पता चला कि आवास विकास का इस पर पैसा बकाया है और उसके कारण इसको डिमोलाइज करने के लिए मेरे पास नोटिस भी आया है। तो मैंने इनसे संपर्क किया जिसके ऊपर इनका अराजी नंबर 27 पर आवास विकास का कुछ पैसा बकाया है, जो टैक्स के रूप में इनका बकाया है वो अभी तक दिए नहीं है, जिस कारण हमारा उनके साथ विवाद चल रहा है। मेरा वास्तविक अराजी नंबर 27 में दाखिल खारिज कराने के लिए मैं परेशान हूँ और मेरे साथ इन्होंने बहुत बड़ा अन्याय और धोखा किया है कि जब मकान मैंने लिया उस समय इन्होंने 27 नंबर अराजी में न करके 190 नंबर अराजी में किया, जिसका मेरे को बाद में ज्ञान हुआ। आप न्याय के लिए कहाँ कहाँ गए हैं? हम यहाँ पुलिस आयुक्त के पास भी जा चुके हैं और उसके बाद मैंने थाने और तहसील के में भी अपना एप्लीकेशन दिया हुआ। थाने में कम से कम 200 बार गया, मेरे को साथ कोई न्याय नहीं मिला। ये सन 2000 की घटना है, कितने दिनों से आप परेशान हो रहे हैं? कितने दिनों से? तीन साल से मैं इधर दौड़ रहा हूँ थाने पर, मेरे साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और ये कितनी बार, कम से कम 4 बार ये प्रेम शंकर जी थाने पर बैठ कर पंचायत भी कर चुके हैं, मैं इसका पैसा जमा करा दूंगा। हाँ। मैं इसके साथ जो जमा होगा फीस मैं कर दूंगा, बाकी आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं। मतलब जो जमीन रजिस्ट्री किया है वो बार बार ये कह रहा है कि मैं इसका पैसा जमा करा देंगे, इसका साथ हम लोग आपके साथ न्याय करेंगे, बाकी हमारे साथ कुछ करते नहीं। क्या ऐसा कोई नोटिस वगैरह भी आया हुआ है आवास विकास से? आवास विकास से इनको नोटिस है, मैं इस पर अराजी नंबर 190 में हूँ, मेरा इस पर भी कोई नाम नहीं है 27 में, इसलिए सारी चीज़ें पेपर उन्हीं के पास आते हैं। मैं मकान ले लिया हूँ इसलिए मैं परेशान हूँ, मेरा अराजी नंबर 27 में नाम चढ़ना चाहिए, जब तक ये पैसा जमा नहीं करेंगे तब तक मेरा नाम चढ़ेगा नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।